हमीरपुर जिला एथलेटिक्स संघ की वार्षिक प्रतियोगिता 11 से 12 मई को सिंथेटिक खेल मैदान अणु में आयोजित की जाएगी। संघ की बैठक के उपरांत जिलाध्यक्ष पंकज भारती ने बताया कि इस बार यह प्रतियोगिता 2 दिन में आयोजित की जाएगी और इस प्रतियोगिता के आधार पर जून माह में होने वाली प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता व नॉर्थ जोन प्रतियोगिता के लिए भी खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। हमीरपुर जिला एथलेटिक्स संघ की वार्षिक प्रतियोगिता 11 व 12 मई को सिंथेटिक खेल मैदान अणु में आयोजित की जाएगी। संघ की बैठक के उपरांत जिलाध्यक्ष पंकज भारती ने बताया कि इस बार यह प्रतियोगिता 2 दिन में आयोजित की जाएगी। 11 मई को अंडर 10, अंडर 12 व अंडर 14 समूह में बालक व बालिकाओं दोनों के लिए यह प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। 12 मई को अंडर 16, अंडर 18, अंडर 20 व पुरुष व महिला वर्ग की प्रतियोगिता रहेगी। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता के आधार पर जून माह में होने वाली प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता व नॉर्थ जोन प्रतियोगिता के लिए भी खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। प्रतियोगिता में पंजीकरण करवाने की अंतिम तिथि 7 मई तय की गई है। इसके बाद किसी खिलाड़ी का पंजीकरण नहीं किया जाएगा। कोई भी खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में नंगे पांव नहीं दौड़ेगा। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में खिलाड़ी 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर, 60 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 600 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर, 2000 मीटर, 3000 मीटर, 5000 मीटर, लंबी कूद, गोला फेंक, 4x100 मीटर रिले रेस में भाग लेंगे। खिलाड़ी अपने साथ अपनी आयु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की कॉपी लेकर आएंगे। उन्होंने बताया कि पंजीकरण के संदर्भ में अधिक जानकारी के लिए खिलाड़ी क्लब या फिर स्कूल महासचिव संदीप डडवाल फोन नंबर 9418057867 या फिर संगठन सचिव विजय राणा से फोन नंबर 9418060134 पर संपर्क कर सकते हैं। बैठक में परशुराम अवार्डी सुश्री पुष्पा ठाकुर, उपाध्यक्ष विजय अतुल, सुरेश ठाकुर, महासचिव संदीप डडवाल, संगठन सचिव विजय राणा, कोषाध्यक्ष रजनीश शर्मा, सचिव अनिल शर्मा, करण डोगरा, कुलदीप ठाकुर, संदीप शर्मा, करण डोगरा, सूरज ठाकुर उपस्थित रहे। हमीरपुर जिला एथलेटिक संघ इस बार अपनी जो वार्षिक प्रतियोगिता है जो सामान्यतः 1 दिन की होती है, इस बार 2 दिन की हम करवाने जा रहे हैं 11 व 12 मई को। इस प्रतियोगिता को हम अणु के सिंथेटिक ट्रैक पर करवाएंगे। प्रतियोगिता में अंडर 10, अंडर 12, 14, 16, 18, 20 और इसमें बोथ बॉयज़ और गर्ल्स में और पुरुषों व महिलाओं की कैटेगरी में जो है वो ये प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। छोटे बच्चों के लिए जहां 30 मीटर से लेके 800 मीटर तक की रेसें रहेंगी, इसके अलावा लॉन्ग जंप और शॉर्ट पुट रहेगा जो रबड़ का एक नई टेक्निक आई है उसके तहत। वहीं जो सीनियर रहेंगे जैसे अंडर 16, 18, 20 वाले, तो उनमें भी हम 100 मीटर से लेके जो है वो 5 किलोमीटर तक की अलग अलग जो दौड़े हैं वो आयोजित करेंगे। इसके अलावा लॉन्ग जंप रहेगा, रिले रेस रहेगी और शॉर्ट पुट जो लोहे का रहता है वो वाली जो प्रतियोगिता है वो इसमें रहेगी। खिलाड़ियों के लिए पात्रता जो है वो उनका सभी स्कूल और कॉलेजों को भेज दी गई है। इसके अतिरिक्त जो खिलाड़ी वो क्योंकि ये ओपन प्रतियोगिता है तो जो किसी अन्य क्लब के माध्यम से इस प्रतियोगिता में शिरकत करना चाहते हैं वो हमारे जो महासचिव हैं श्री विजय संदीप ढडवाल जी, उनसे संपर्क कर सकते हैं। उनके मोबाइल नंबर 9419857867 पर, और जो इस प्रतियोगिता के लिए संगठन सचिव हैं श्री विजय राणा जी, उनसे उनके मोबाइल नंबर 9419860134 पर संपर्क कर सकते हैं। प्रतियोगिता में मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हिमाचल प्रदेश का जो लोकप्रिय टीवी चैनल है एच टुडे वो इस प्रतियोगिता के लिए मीडिया पार्टनर की भूमिका में है, तो हम उनके भी आभारी हैं कि वो इस प्रतियोगिता में भाग लेकर प्रदेश के खिलाड़ियों को, हमीरपुर के खिलाड़ियों को प्रदेश स्तर पर ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर उनकी प्रतिभा को निखारने में हमारा सहयोग करेंगे। मैं एच टुडे चैनल के सभी जो सहयोगी हैं उन सबका मैं बहुत आभारी हूँ इस बात के लिए। देश में एथलेटिक्स के मुकाबलों में इतना बड़ा आयोजन पहली बार किसी जिला मुख्यालय पर हो रहा है। आप सभी यहाँ आएँ, अपने बच्चों का उत्साह बढ़ाएँ, हम आप सबका स्वागत करते हैं।
प्रतियोगिता के पंजीकरण की अंतिम तिथि 7 तारीख है। इस बार आयोजकों ने यह निर्णय लिया है कि कोई स्पॉट एंट्री नहीं रहेगी, तो आप सभी से निवेदन है कि 7 तारीख तक अपनी एंट्री जरूर करवा लें। पंजीकरण करने के संदर्भ में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो महासचिव संदीप डढ़वाल के फ़ोन नंबर 94180-57867 पर संपर्क करें, या फिर संगठन सचिव विजय राणा के फ़ोन नंबर 94180-60134 पर संपर्क करें। वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, आई मिलते हैं ब्रेक के बाद।